नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैशाली टक्कर की। ये रिश्ता क्या कहलाता है? फेम वैशाली टक्कर ने खुद की जान ले ली, खुदकुशी कर ली, और ये एक बहुत बड़ा कदम है जो उन्होंने उठाया। लेकिन इस वक्त जहां वैशाली टक्कर अब इस दुनिया में नहीं रही है, एक सुसाइड नोट वो छोड़ गई है जिसमें उन्होंने वो सब कुछ मेंशन किया जिस दौर से वो गुजर रही थी। जी हाँ, ये वो दौर था जब वैशाली अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो चुकी थी। लेकिन हमने काफी वीडियो में आपको बताया है कि वैशाली टक्कर अपनी जिंदगी को लेकर इस तरह की बातें करती थी, दूसरे को सिखाती थी कि जिंदगी में आगे बढ़ो, एक रास्ता ना मिले दूसरे रास्ते पर जाओ, फिर भी उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। तो मतलब वो किसी ऐसे डिप्रेशन के साथ गुजर रही थी कि वो यहाँ ना किसी को बता सकी और उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। वैशाली टक्कर, जहां उनकी एक एक्स बॉयफ्रेंड जो उन्हें बहुत परेशान किया करते थे, जब उनका ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने आगे शादी का सोचा किसी और के साथ। एक एनआरआई लड़के को उन्होंने पसंद किया, वो उनका फियांसे था, उसके साथ सगाई हुई। लेकिन फिर भी जो उनका बॉयफ्रेंड था वो वहां उन्हें परेशान करता था, जिसकी वजह से जो उन्होंने सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें शेयर की थी उन्हें वो डिलीट करनी पड़ी, वो सगाई ही टूट गई। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों के साथ वो गुजर रही थी। अभिनंदन है जिसका नाम, अभिनंदन सिंह जो कि उनका फियांसे था, लेकिन फिर उनके उसके साथ रिश्ता टूटा और जो उनकी मेन दिक्कत थी वो बॉयफ्रेंड के साथ रही, क्योंकि वो उनकी सगाई भी नहीं होने दे रहा था किसी और के साथ। साथ ही आपको बता दें कि नाम जो है सुसाइड नोट में, ये आखिरी जो खत है, आखिरी जो नोट है, इसमें मेंशन किया है यहाँ पर, और मेंशन कर उन्होंने यहाँ बताया है कि क्या वो किस दौर से गुजर रही थी, क्या क्या चीजों की तकलीफ हो रही थी, क्या क्या चीजें रही थी। और अब यहाँ उनकी बॉडी, उनके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, तो यहाँ और सारे खुलासे आने बाकी हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।